वेलकम बैक टू माय टेक चैनल ऑफ नॉन टॉक्स। तो देखें, सबसे पहले आपने अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है, एफएम व्हाट्सएप। उसके बाद देखें, टॉप के ऊपर थ्री डॉट्स हैं राइट हैंड साइड के ऊपर, आपने इसके ऊपर टैप करना है। उसके बाद देखें जो फिफ्थ वाला ऑप्शन है एफएम सेटिंग, आपने इसके ऊपर जाना है। उसके बाद देखें थोड़ा सा नीचे करें, थीम स्टोर के नीचे लिखा हुआ है डाई थीम, आपने इसके ऊपर टैप करना है। तो देखें जब आप डाई थीम पर टैप करेंगे ना, तो कस्टमाइजेशन की एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखें, ये सारी होम की कस्टमाइजेशन है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। तो इसके साथ ही ऊपर देखें कन्वर्सेशन लिखा है, आपने इसके ऊपर टैप करना है तो सारी कन्वर्सेशन की थीम ओपन हो जाएगी। तो इसे एक एक करके हम देख लेते हैं। तो देखें जो फर्स्ट के ऊपर है वो है वॉलपेपर की। अगर कन्वर्सेशन का आपने वॉलपेपर चेंज करना है और कलर लगाना है, तो देखें एडिट के नीचे जो कलर लिखा है आप कलर के ऊपर टैप करें। ठीक है, जो सा भी आप कलर लगाना चाहते हैं लगा लें, जैसे मैंने ग्रे लगा लिया। अगर आप कोई पिक्चर अपनी लगाना चाहते हैं या किसी और की, तो देखें एडिट के वक्त क्लिक करें तो यहाँ पे आपकी जो है गैलरी वगैरह ओपन हो जाती है। ठीक है, उसके साथ ही हम देखते हैं नीचे है टूल बार। टूल बार के अंदर देखें आप, आपके पास थ्री कलर शो हो रहे हैं राइट साइड के ऊपर, ग्रे, ब्लैक एंड लाइट ब्लू। अगर आपको ये तीन पसंद है ना, तो इन तीन में से कोई भी रखें। अगर ये तीनों पसंद नहीं है ना, तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे जो रेक्टेंगल शेप में कलर आ रहे हैं ना, आप इसके ऊपर टैप करें तो देखें इधर सारे कलर भी आ जाते हैं और आप इधर से जो ऊपर से इनके जो है शेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइट कलर रखें वो जो अच्छे लगते हैं, कोई सा भी लाइट कलर रख लेते हैं। ठीक है, ये देखें बैकग्राउंड जो है मेरे टूल बार का वो लाइट येलो हो गया। आइकन जो है मैं ब्लैक कर देता हूं और टेक्स्ट जो है मैं इसका जो है वाइट छोड़ के पर्पल रखना चाहता हूं। देखें मैंने पर्पल रख लिया। अगर आप इसको साथ साथ प्रीव्यू करना चाहते हैं ना, तो देखें नीचे प्रीव्यू लिखा है, आप इसके ऊपर टैप करें। ये देखें, अब देखें जो ऊपर देखें टेक्स्ट आ रहे है वो पिक के साथ वो आ रहा है पर्पल रंग का। ठीक है, उसके साथ देखें जो बैकग्राउंड आ रहा है वो आप देखें सारा जो है ग्रे आ रहा है। यहां से जो है हम प्रीव्यू भी कर सकते हैं, कैंसल आप करेंगे तो नीचे से बैक हो जाएगा। सेव हम एंड में करेंगे, कैंसल करने से ऐसा नहीं है कि आपकी जो है सेटिंग रीसेट हो जाएगी, वो खाली बैक होता है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे कर लें और आइकन देखें ब्लैक से है। ठीक है, इसी तरह स्टेटस का देखें आप, स्टेटस ऑफ सेंडिंग मैसेज, जो हम मैसेज किसी को सेंड करते हैं उसके जो आप अगर कलर चेंज करना चाहते हैं। मैसेज रेट का मैं चाहता हूँ, ये याद रखें सारे कलर सिर्फ आपको शो होंगे, जिसको आप मैसेज भेज रहे हैं उसको शो नहीं होंगे, सारी सेटिंग आपके अपने लिए। अब मैसेज रेट का मैं कलर रखना चाहता हूँ ऑरेंज, इसको नीचे से टिक कर देता हूँ। इसी तरह मैसेज सेंड सक्सेसफुली का मैं रखना चाहता हूँ ब्लू, और मैसेज सेंडिंग फेल्ड का मैं रखना चाहता हूँ ब्लैक। ये देखें, इसको कर देते हैं हम प्रीव्यू। तो देखिए जो आइकन जो मैं अभी आपको बता रहा था ना, टॉप के ऊपर ब्लैक है, वो देखें राइट हैंड साइड के टॉप के ऊपर थ्री डॉट्स, और वो देखें टेलीफोन का निशान बना है वो ब्लैक आ रहा है। इसी तरह अभी इसके अंदर तो खैर मैसेज नहीं भेजे, तो इसलिए उसके जो है रिसीव्ड के या सेंडिंग के कलर शो नहीं हो रहे। लेकिन देखें जो अभी तक मैसेज सेंडिंग फेल्ड हुआ है ना, ये देखें जो ग्रेट लिखा हुआ है, जो क्लॉक बनी है ब्लैक आ रही है। ठीक है, क्योंकि सेंडिंग फेल्ड है, सेंडिंग फेल्ड का जो है हम लोगों ने कलर ब्लैक रखा हुआ है। इसी तरह सेंड सक्सेसफुली और रीड वाले मेरे पास मैसेज नहीं पड़े, तो उसके भी इसी तरह से जो है कलर शो होंगे, और मैसेज रिसीव्ड का भी कलर शो होगा। आप इसको भी यहां से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं येलो रख लेता हूं, तो जो मेरे पास मैसेज रिसीव्ड होगा उसका जो कलर है ना वो आ रहा होगा येलो। ठीक है, फिलहाल इसलिए मेरे पास येलो नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास अभी कोई मैसेज इस वक्त रिसीव नहीं हुआ। इसी तरह मार्क मैसेज है, इसके अंदर देखें पहला है टाइम रिमाइंडर मैसेज, इसकी मैं कर लेता हूं ब्लू, इसका जो टेक्स्ट है वो कर लेते हैं येलो। ठीक है, इसी तरह कॉन्फिडेंशियल रिमाइंडर मैसेज है, इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं और इसका टेक्स्ट जो है वो वाइट कर देते हैं। कॉन्ट्रास्ट में हम सेटिंग करें ताकि अच्छा लगे, और आइकन जो है हम इसका येलो कर देते हैं। ठीक है, अदर मार्क मैसेज का कोई भी बैकग्राउंड रख लें आप। ठीक है, इसके ऊपर टैप करें तो बहुत सारे कलर ओपन हो जाएंगे, लाइट ब्लू रख लेते हैं। इसी तरह इसका जो टेक्स्ट है वो हम कर देते हैं डार्क ब्लू। इसी तरह इसके जो आइकन है उसको हम कर देते हैं ऑरेंज। ठीक है, अब ये देखें इस सारी सेटिंग्स को भी हम जो है प्रीव्यू कर सकते हैं। ये देखें जो ग्रेड के नीचे देखें
आ रहा है जुलाई 10, 2019। ये देखें इसका बैकग्राउंड जो डार्क ब्लू है, टेक्स्ट येलो है, उसके नीचे देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, लाइट ब्लू बैकग्राउंड है, फोन मिस जो मिस कॉल वगैरह मिस जो ये उसका देखें टेक्स्ट डार्क ब्लू, और आइकन जो है वो टेलीफोन का वो ऑरेंज सा है। उसके नीचे देखें जो टेक्स्ट है वो लॉक्ड व्हाइट है, आइकन येलो है और बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है। तो ये आप जो है अपने से भी सेट कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट बना सकते हैं। इसी तरह इनपुट लेआउट है, देखें इसका बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड डार्क अच्छा लगता है, और उसी के जो है ना उसी कलर का अगर आप लाइट टेक्स्ट रखेंगे तो अच्छा लगेगा। ये देखें इसको येलो रख देते हैं और इसके आइकन्स को जो हम ऑरेंज रख देते हैं, और इसका जो टेक्स्ट है वो अच्छा लगेगा ग्रीन, देखें ग्रीन रख देते हैं ठीक कॉन्ट्रास्ट में, टिक कर देते हैं ताकि ये हो जाए। इसका कर्सर का जो है कलर वो जो है हम कर देते हैं ग्रे, इसको भी टिक कर देते हैं ठीक है। इसके बाद इसको भी प्रीव्यू कर लेते हैं, ये देखें जब आप इसको प्रीव्यू करेंगे देखें जो सबसे नीचे जहाँ पे आप लिखते थे ना चैट वहाँ पे देखें येलो कलर का बैकग्राउंड आ रहा है, आइकन जो है वो ऑरेंज आ रहे हैं, और साथ में जो आपका टेक्स्ट कलर है वो है ग्रीन आ रहा है ठीक है। इसी तरह आप जो है थोड़ा नीचे करें तो देखें बबल की सेटिंग आ रही है, बबल की सेटिंग के अंदर देखें सबसे पहले सेंट टेक्स्ट का बबल है ठीक, उसका आप कलर सेट कर सकते हैं, उसकी शेप सेट कर सकते हैं। तो जो सेंडिंग बबल है उसका जो टेक्स्ट है उसका हम कलर रख लेते हैं वाइट, व्हाइट ना रखें क्योंकि बबल भी व्हाइट होता है तो वो जो मिक्स हो जाता है, इसको हम कर लेते हैं ब्लू, इसको ओके कर देते हैं। और इसके देखें नीचे ही शेप है बबल सेटिंग के नीचे सेंडिंग जो बबल होता है उसकी आप शेप भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ ये वाला देखें, इसका भी आप बबल का कलर भी चेंज कर सकते हैं, पर्पल रख लिया या आप टेक्स्ट के साथ मैच करके ना रखना वरना जो है वो मिक्स हो जाएगा। देखें अब जो मेरा बबल है वो पर्पल रंग का और जो सेंट टेक्स्ट है वो ब्लू रंग का है ठीक है। इसी तरह रिसीव टेक्स्ट का कलर ब्लैक ही रहने देते हैं और जो है बबल उसको व्हाइट रहने देते हैं, और साथ में जो है ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि दोनों के जो कलर है वो अलग अलग होने चाहिए वरना जो है मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं, प्रीव्यू कर लें इधर, फिलहाल जो है ये बाय डिफॉल्ट जो है इसके अंदर नहीं आ रहा, तो आप किसी को मैसेज सेंड करके देख लेना, इसे कैंसिल कर देते हैं ताकि बैक हो जाए, और इसको जो है सेव कर देते हैं ताकि एक ही दफ़ा सेव हो जाए। तो राइट साइड टॉप के ऊपर देखें सेव लिखा है, जब आप सेव के ऊपर टैप करेंगे तो पूछेगा आपकी जो सारी थीम भी सेटिंग है इसका क्या नाम दें, तो मैं लिख लेता हूँ माय थीम, उसके बाद इसे सेव कर दें। तो जितनी भी सेटिंग है ना आपकी ये देखें कॉन्ग्रेचुलेशन ये जो है सेव हो चुकी है ठीक है। अब आप किसी को भी बेशक मैसेज वगैरह भेज के देख लें, ये देखें सारी सेटिंग हुई हुई है चेंज हुई हुई है, आप जो है इसको अपनी मर्जी का भी रख सकते हैं। इधर देखें मैं लिख लेता हूँ हेलो सेंडिंग बबल, देख लेते हैं कि हमारा कैसा, वो देखें सेंडिंग बबल जो मेरा आ रहा है वो देखें ग्रे रंग का आ रहा है ठीक है, उसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो आ रहा है डार्क ब्लू रंग का, और जो आपको कोई मैसेज भेजेगा जो रिसीव होगा उसका कलर जो है वो चेंज होगा, तो आप ये अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो लाजमी लाइक करें, और अगर न्यू है तो जल्दी से मेरे उर्दू हिंदी वाले टेक चैनल अफनान टॉक्स को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।